नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन, महाराष्ट्र से किसानों का दिल्ली कूच का तीसरा दिन। डीडीसी चुनाव, तस्वीर लगभग साफ, गुपकार गठबंधन सबसे आगे। हमारी तीसरी खबर बिहार से, नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार, अधूरा काम। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट से, देश में 24 घंटों में 23,950 नए मामले, 333 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र से हजारों किसानों का गाड़ियों का जत्था दिल्ली के लिए सोमवार को नासिक से रवाना हो चुका है। आज उसका तीसरा दिन है और जत्था मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। ये किसान भी देश के बाकी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि की तरह नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली प्रदर्शन करने आ रहे हैं। यह जत्था अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहा है। जगह जगह पर किसान और आम जनता इन जत्थों को रोककर उनका स्वागत कर रहे हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली रवाना होने से पहले शिवाजी महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को नमन कर मोदी सरकार और किसान विरोधी कानून के खिलाफ लड़ने की शपथ ली। महाराष्ट्र के किसानों में भी उत्साह और जोश भरपूर है। दिल्ली रवाना हो रहे महाराष्ट्र के सतारा के किसान मानिक अगड़े ने कहा, हम दिल्ली में ठंड से डरते नहीं हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए कानून अधिक खतरनाक हैं। हम सड़क पर बैठेंगे और सड़क पर ही भोजन करेंगे, लेकिन हम इन कानूनों को वापस लिए जाने तक वापस नहीं आएंगे। मोदी जी ने किसान के खिलाफ जो 3-4 कानून बनाए हैं, काले कानून, इस काले कानून के विरोध में हमारी लड़ाई जारी है। और जिस तरह हरियाणा, पंजाब के किसान वहां पर बैठे हुए 25-26 दिन से, उसी तरह हम भी ये जब तक सरकार काले कानून पीछे नहीं लेती तब तक हम वहां पर बैठेंगे। भले अपनी जान भी गंवा जाए तो हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इस भारत में जितने 130 करोड़ आबादी के लोग हैं, हर इंसान के पेट में अनाज का लुकमा जाने वाला है। इसकी कीमत चुकाने के लिए हमारा तो कितनी गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से? यहाँ से हम 1,000-2,000 लोग निकल रहे हैं, 100-200 गाड़ी अपने जा रहे हैं यहाँ पर से। अच्छा, तो कितने दिन का प्रोग्राम है वहाँ पर? वहाँ पर प्रोग्राम का फिक्स नहीं है। कितने राशन पानी सब लेके जा रहे हैं? राशन पानी सब लेके जा रहे हैं। राशन पानी सब गाड़ी में अंदर हमारा पैक है। तो यानी ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान है, तो ये आप इससे वाकिफ है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान है या बाकी प्रदेश के भी है? अभी तो हमें सब मालूम है पंजाब और हरियाणा के किसान तो है। हम इंडिया के सब किसानों को विनती करते हैं, जितने भी हिंदुस्तान के किसान भाई बहन है, पूरे अपने दिल्ली में आकर उतरे और इस लड़ाई को शामिल हो जाने के लिए हम विनती भी कर रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं यहाँ पर। हमारी दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के पहले चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की है और वह सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने 74 सीटों पर अपने नाम की है। केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों पर मतदान 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में 19 दिसंबर को पूरा हुआ था और मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो वह केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनाव के नतीजों पर खुशी जाहिर की है। नीतीश कुमार की परियोजना हर घर नल जल भ्रष्टाचार के घेरे में आ गई है। उसके करीब करीब सभी काम अधूरे होने की शिकायतों के मानो अंबार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री की आधारशिला योजना 7 निश्चय योजना का हिस्सा होने के नाते नल जल परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बन गई थी, खासकर जब से वे सत्ता में आए हैं। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि पूरे राज्य में यह योजना वित्तीय अनियमितताओं के कारण पूरी नहीं हो पाई है और परियोजना गैर कार्यात्मक स्थिति में है। विधायकों के साथ एक शुरुआती बैठक में सीएम नीतीश ने महत्वाकांक्षी
नल जल योजना से संबंधित लोगों की शिकायतों को हल करने के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को जिला स्तरों पर शिकायत के निवारण के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने अगले साल फरवरी तक नल जल परियोजना के सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने की घोषणा की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से परिवारों तक इस योजना की पहुंचने का पता चलता है। 28 जिलों के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार जांच की गई 2954 परियोजनाओं में से 186 अभी भी पूरी नहीं हुई है, जबकि जांच के दौरान 279 परियोजनाएं गैर कार्यात्मक पाई गई। बिना किसी शिकायत के सिर्फ 1952 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि विभिन्न पैमानों पर बनी 562 परियोजनाओं में मामूली समस्याएं थी और 189 प्रमुख समस्याओं में से पीड़ित थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 23 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,950 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 333 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 26,895 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से आज 3,278 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,46,444 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.68% हो गया है, यानी अब तक 96,63,382 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2.86%, यानी 2,89,240 हो गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।